नमस्कार दोस्तों, दावी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया गुलाटी कबाब। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सोया चंक्स। यहाँ मैंने 100 ग्राम सोया चंक्स लिए। इनको मैंने गर्म पानी में सोख करके रख दिया था एक घंटे के लिए। उसके बाद इसका जो पानी है सारा स्क्वीज कर लिया इस तरह से। इसे हम ग्राइंडर में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बारीक पीस लिया है। चना दाल 5 चम्मच, इसे भी मैंने पानी में सोख करके रख दिया था एक घंटे के लिए। अब हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, चना दाल को भी मैंने ग्राइंडर में पीस के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। फ्रेश कोरिएंडर लगभग 50 ग्राम, 3 से 4 हरी मिर्च, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां, इन सभी को हम ग्राइंडर में पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको भी पीस लिया है और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चुटकी लौंग पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच, देसी घी 2 चम्मच, बारीक कटा हुआ प्याज 1, एक कोयले का पीस। ये देखिए, सोयाबीन को जो मैंने पीसा था एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक कोरिएंडर पेस्ट। अब डालेंगे पिसी हुई दाल, साथ ही डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब डालेंगे पिसे हुए मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे हम ये सारे मसाले पिसे हुए, एक साथ डाल देंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, कोयले को मैंने गैस पे रख दिया है जलने के लिए। इसको अच्छे से जलने देंगे। एक कटोरी लेंगे हम इस तरह से और इसको ऐसे सेंटर में प्रेस करके रख देंगे और जो कोला हमने अभी जला के रेडी कर रखा है वो इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी और इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसे छोड़ देंगे हम इसे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब अपने हाथों से इसको एक बारी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्सर ले लेंगे अपने हाथों में, इसको राउंड करेंगे। अब इसको हम इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इनकी छोटी छोटी टिक्की बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी सोयाबीन के जो कबाब है वो रेडी कर लिए हैं। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे। गैस पे पैन रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल लगभग 2 चम्मच। ऑयल को गर्म होने देंगे हल्का सा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे रेडी किए हुए
सोयाबीन कबाब इस तरह से। इसे हमें लो फ्लेम पे ही कुक करना है। पकने देंगे इसको और इनकी हम साइड चेंज करेंगे इस तरह से। देखिए चाय चेंज कर ली है मैंने, दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे पकाएंगे। अगर ऑयल आपको कम लग रहा है तो आप हल्का सा ऑयल भी डाल सकते हैं। चेक करते हैं, ये देखिए दूसरी तरफ से भी जो कबाब है पक चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों सोया गुलाटी कबाब रेडी है। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सोया गुलाटी कबाब की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको रेसिपी देखनी होगी वो वहां से देख सकते हैं। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाता रहूंगा। देखते रहिए द वी किचन।